इस्तेमाल हुआ
ये तो मुमकिन नहीं है, कोई माना नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज पोशीदा नहीं, कोई पोशीदा चीज तो है, लेकिन परवरदिगार आलम ने इसके अंदर ऐसी चीज रखी है कि जिसका इल्म हुरूफ के जरिए से तो हम तक नहीं पहुंच रहा, तो फिर कैसे पहुंचे? का उनके पास जाओ जिनके सीनों में हमने कुरान का इल्म रखा। तुम मोहताज रहोगे अलिफ पढ़ने के, तुम मोहताज रहोगे लाम पढ़ने के, तुम मोहताज रहोगे मीम पढ़ने के, लेकिन इसके माना और मफहूम के अतबार से तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा जब तक उन सीनों की तरफ और उन ज़वाते मुकद्दसा की तरफ रुजू ना कर लो कि जो हमारी तरफ से तालीम याफ्ता, जिन्हें हमने इल्म दिया, जिनको हमने रासिखूना फिल इल्म करार दिया। तो इल्म में ऐसे डूबे हुए वो रासिखूना फिल इल्म, जिनके जुबान से तुम्हें ये समझ में आएगा कि इन हुरूफ के माना क्या है। अच्छा, ये तो मैंने मिसाल दी, ये बहुत आसानी से समझ में आती है। कुरान मजीद खुद कहता है कि फी आयातुन मुहकमात, इसके अंदर आयतें मुहकमात भी हैं, व उखर मुतशाबिहात, कुछ ऐसी भी हैं जो मुतशाबे हैं, यानी जिन आयात को फकत तर्जुमा करने से आपकी समझ में नहीं आएगी। आपने तर्जुमा निकाल भी लिया, जो डिक्शनरी से आपने अल्फाज के माना निकाले, जो हुरूफ इस्तेमाल को हुरूफ के माना निकाले, वो माना निकाल कर आपने जोड़ भी लिया, जुमला बना भी लिया, हर चीज आपके लिए वाजे नहीं होगी। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है परवरदिगार? तो कुरान मजीद की कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मुहकम है, वाजे हैं, बहुत सिंपल पैगाम है, वो समझ में आ जाता, लेकिन कुछ ऐसे पैगाम भी रखे हैं जो मुतशाबे रखे, और उनके लिए भी इंसान पाबंद है कि जाए उनके दरों पर कि जिन दरों पर परवरदिगार आलम ने इसका इल्म रखा। और इसीलिए जब अल्लाह के रसूल जा रहे थे तो ये नहीं कहा कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, कहा दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताब इलाही है जो तुम्हारे पास मौजूद है, लेकिन इसे काफ़ी मत समझना, इसको समझने के लिए तुम्हें दरे अहले बैत पर सर झुकाना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कलाम इलाही तुमसे चाहता क्या है। हुरूफ़े मुख़त्तात बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश किया। तंज़ीलुल किताब ला रैब फीह, इस किताब का नाज़िल करना, इस किताब का नुज़ूल ला रैब फीह है, जिसके अंदर कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं शक की, बिल्कुल उसी तरह का मफहूम जो सूरह बकरा की इब्तिदाई है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर किसी शक रैब और किसी तरह के डाउट की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल साफ और सुथरी और वाज़े किताब, ऐसी किताब के जिसका भेजने वाला कौन? परवरदिगार इस सूरह सजदा की आयत में इरशाद फरमाता है, मिन रब्बिल आलमीन, ये आलमीन के पालने वाले ने भेजी है। खुदा कह सकता था मिन अल्लाह, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह की किताब अल्लाह ने भेजी, यहाँ मिन रब्बिल आलमीन, यानी कुछ तो ऐसा राज है कि जो परवरदिगार इशारा करता है, समझाता है। अब खुदा बेहतर जाने इसकी गहराइयाँ क्या हैं, लेकिन एक सिंपल सादा सा जो जुमला हमें समझ में आता है कि रब्बुल आलमीन कहकर हमें रोज़ाना नमाज कहकर 10 मरतबा तो इस बात की तालीम दी कि रोज़ाना सूरह हम्द पढ़ोगे तो ये जुमला कहोगे ही कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, यानी जिस किताब को तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी बहुत पावरफुल शख्सियत जिसको तुम समझते हो उसका कलाम नहीं, ये जिनों का लिखा हुआ कलाम नहीं, ये किसी और मखलूक का कलाम नहीं, ये उसका कलाम है कि जिसका नाम नहीं इस्तेमाल किया गया, सिफत इस्तेमाल की गई। सिफत क्या? सिफत वो कि जो आलमीन का पालने वाला है। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? इंसान अपने एक जिस्म को समझने के लिए सदियों से कोशिश कर रहा है कि इसका निज़ाम समझ जाए कि ये है क्या। आज तक मेडिकल साइंसेस रोज़ बरोज तरक्की करती चली जाती है, अपनी पिछली थ्योरीज को बातिल करार देती है, नई थ्योरीज पैदा कर देती हैं, कि नहीं हम जो वो समझे थे वो गलत था, ये जिस्म इस तरह से काम करता, इसके अंदर ये तब्दीली, इसके अंदर ये चीज़, इसके अंदर ये चीज़। और मौजूदा दौर में तो बहुत आसानी के साथ पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर हमें समझ में आया, कहने वाले कहते कुछ है, होता कुछ है,
तो ये सारी चीजें वो है कि जो इंसान का इल्म था, जो अपने तजुर्बों से सीखा, और इन तमाम उलूम को, इन तमाम चीजों को सीखने के बाद भी इंसान ने अपने आप को बड़ा कोई 30 मार खान समझा, बड़ा अपने आप को चौड़ा करने लगा कि मैं जान गया कि जिस्म कैसा, लेकिन परवरदिगार बाज औकात इंसान को ऐसी बीमारियां दे देता, ऐसे अमराज में मुब्तला कर देता जिसके बारे में हदीस का एक जुमला है, थोड़ा सा मौजू से अलग लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा, का जब इंसान नए नए किस्म के गुनाह करना शुरू करता है, खुदा की नाफरमानी करने के अंदर इंसान करता है नहीं काम, भाई इस तरह से ये गंदा काम करें, उस तरह से गंदा काम, उस फला काम को अंजाम दे, हराम वो भी है, हराम दूसरी चीज भी है, तीसरी चीज भी है, इस हराम को इस अंदाज से अंजाम दिया जाए, इंसान बाज औकात इस हराम के अंदर तनको याद कर रहा होता है, जब इंसान नए नए हराम करता है परवरदिगार नई नई आजमाइशें उसके ऊपर डाल देता है, तरह तरह से परेशान होता है, इसीलिए बाज़ोखा सोचते हैं ना पिछले लोग थे हमारे बाप दादा घर वाले कभी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, कभी उनके साथ ये मसला नहीं हुआ, कभी उनके साथ ऐसी परेशानी नहीं, हम देख रहे हैं हमारे साथ आ रही, तो हमने ऐसी काम भी तो किए हैं, वो जो शराफत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे उनकी जिंदगी का तरीका और था, आज जो जिंदगी का स्टाइल बदलता चला जा रहा है, आज जैसे जैसे नए गुनाहों का इजाफा हो रहा है वैसे वैसे नए नए अमराज का भी इजाफा होता, वैसे वैसे नई नई इंसान के साथ आजमाइशें भी पैदा होती चली जाती, तो बस परवरदिगार कहता ये कलाम वो है रब्बिल आलमीन, आलमीन के पालने वाले, तुम एक जिस्म नहीं समझ सकते, तुम एक इस दुनिया में मौजूद निजाम, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये तमाम चीजें, ये मखलूकात, वो मखलूकात कितनी है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, हजरत आदम से लेकर आज तक कितने इंसान आए किसी के पास एग्जैक्ट फिगर है, इतने थे प्लस माइनस कुछ नहीं, किसी के पास वो भी हिसाब नहीं, आज कितने जानवर मौजूद हैं हिसाब उसका भी किसी के पास कोई नहीं, आज कितनी मखलूकात जो इंसान और जानवरों के अलावा मौजूद हैं उसका तो इंसान अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा, बस जब ये तमाम चीजें इंसान के इल्म को परवरदिगार आलम की तरफ से इस बात का एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जितना भी अक्ल और शऊर दिया गया याद रखो तुम्हारी महदूदियत अपने मकाम पर है, तुम एक जगह जाकर रुकोगे, बस अगर उस जगह जाकर रुकना तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी बसात यहाँ खत्म हो गई, तो एहसास करना वो मालिक जो तुम्हें पैदा करने वाला है, जो आज तक तुम्हें पाल रहा है और तुम्हें नहीं सारी कायनात को पालने वाला है, उसकी कदर का एहसास करना, उस परवरदिगार की इज्जत का एहसास करना कि तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके सामने झुको जो किसी का मोहताज नहीं, तुम मोहताज हो और तुम पसंद करते हो कि मैं आऊं तो ये हो जाए, मैं फला काम करूं तो मुझे ये नतीजा मिले, तुम अपने जहनों से सोचते हो, परवरदिगार का एक निजाम है और उस निजाम में जो परवरदिगार ने हमसे चाहा क्या फरमाया, ये किताब वो है जो आलमी के पालने वाले ने नाजिल की, बस इसके अंदर जो पैगाम होगा वो कौन सा होगा, एक जमाने से मुतालिक, एक शख्सियत से मुतालिक, एक किरदार से मुतालिक, एक नौए बशर से मुतालिक, एक नौए जिन से मुतालिक, हर एक से मुतालिक, यानी ऐसी किताब है कि जिसके अंदर ना कोई शक और शुबे की गुंजाइश है और ऐसा अटल कानून है कि जो कयामत तक आने वाले हर इंसान और हर जिन के लिए हिदायत का बाइस बनता रहे, वो इसके अंदर झोल नहीं है, तो इसके अंदर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जहां इंसान शक कर सके, बस इस किताब को जो परवरदिगार ने भेजा, बस ऐसा कुरान जो ला रहे हुआ, बस एक छोटी सी मिसाल और यहां तक इस आयत से मुतालिक बात मुकम्मल है, हमें अगर कोई पता चल जाए तो किताब उस दवाखाने के अंदर, उस लाइब्रेरी के अंदर, उस किताब खाने के अंदर, उस स्टॉल पे, उस जगह पे ऐसी किताब है जिसके अंदर ऐसा इलाज लिखा हुआ है जो बेहतरीन इलाज है, तो नुस्खा लिखा हुआ है, वो नुस्खा मिल जाए तो समझो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, वो नुस्खा मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी में सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, अगर ऐसा पता चल जाए तो आज कितना ज्यादा, मैं तो किताब की मिसाल दी, आपको ये पता चल जाए तो फला हकीम है हैदराबाद में रहता है, एक दफा जाकर इलाज कराने के लिए दिखा दो, बोलना नहीं पड़ेगा,
वो तुम्हारी नफ्स देखेगा, तुम्हारा इलाज भी करेगा, मुफ्त में दवा भी देगा और सही भी हो जाओगे। कौन है जो ले जाएगा? हर इंसान कोशिश करेगा, जरा सी बीमारी आएगी, कोई गड़बड़ होगी, कोई परेशानी आएगी, अच्छा ये तो मेरी बीमारी जिस्म की बात थी, कोई और मसला पता चल जाए, फला जगह पे मुफ्त में जाके इलाज भी हो जाएगा, दवा भी मिल जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन है दूर, है मुश्किल जाना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये चीज होगी, फला चीज होगी, तो वो सब कर लेंगे, बस फायदा तो हो जाएगा, फायदे का यकीन है। हजार लोगों ने करा है, सबको फायदा हुआ, एक भी ऐसा नहीं था जिसमें फायदा नहीं हुआ। अच्छा फिर जाएंगे, अच्छा लाइन में लगना पड़ेगा, दो दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है ना, खड़ा भी रहेगा, जाने आने में मुश्किल होगी, वो भी बर्दाश्त करेगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, वो भी बर्दाश्त कर लेगा, क्यों? फायदा ऐसा मिलने वाला है जिस फायदे को लेने के लिए ये दो दिन की परेशानी सहना आसान है, आगे के 10-15 साल की जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये 10-15 साल की जिंदगी के लिए इंसान सोचता है ना, दो दिन धूप में खड़ा रहना मसला नहीं, ऑफिस की छुट्टी वो भी मसला नहीं, दीगर परेशानी का वो मसला नहीं, क्यों? तो इसलिए कि नतीजा ऐसा मिलने वाला है जो आगे फायदा लंबा देगा, तो कितना देगा, जिंदगी कितनी बाकी, 10-15 साल तो होंगे ही जिंदगी, नहीं पता कितनी जिंदगी होती, 20 साल 25 साल 30 साल, वो भी 50 साल में मर जाए, लेकिन जिस्म कम से कम ऐसा तो हो जाएगा ना, बीमारी तो दूर हो जाएगी, इंसान उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता। ये कलाम, कलाम पाक, कलाम इलाही, ये वो कलाम है कि जिसके अंदर हर मरज की शिफा मौजूद है, भेजने वाला वो है कि जिसकी गारंटी उस खुद अपनी जात ने ली है, जो खुद हमारा पैदा करने वाला और पालने वाला, इसके लिए इससे बड़ी कोई गारंटी हो नहीं सकती। उस हकीम की गारंटी हजार मरीजों ने दिखाई, आपके दोस्त ने बताया था, उसके लिए परेशानी सहनी पड़ती है। यहाँ परवरदिगार कह रहा है वो कलाम जो तुम्हारे पास मौजूद है, जो हमने अपने हबीब पर नाजिल किया है, ये कलाम इतना पाकीज़ा और बेहतरीन कलाम है जो कयामत तक की हिदायत के लिए काफी है, तुम्हारे इस दुनिया के 5, 10, 15, 20 साल नहीं, अबदी जिंदगी में तुम्हें जन्नत तक ले जाने के लिए ये ऐसा कानून है, अमल करोगे जिंदगी संवर जाएगी, अमल करोगे आखिरत संवर जाएगी, जन्नत का आला मकाम चाहिए वो भी मिल जाएगा अगर इस किताब पर ईमान ले आए। तो सब कलाम इलाही समझ में आ गया। अब इस कलाम इलाही को भेजने वाला जब नाजिल करता है कलाम को, तो उस हबीब पर नाजिल करता कि जिस हबीब को तारुफ इस तरह से करा जाएगा मिलता रसूल, शख्सियत मुहम्मद को है जिसकी पहचान रिसालत, ये खातिबुन नबीयीन, ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान गवाही देता का ये वो है जिसको हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमने इसे शाहिद बनाया, हमने इसे बशारत देने वाला बनाया, हमने इसे डराने वाला बनाया। वो रसूल का तारुफ है ना, मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया कुरान मजीद में, बस ऐसे हबीब और ऐसे खातिबुन नबीयीन कि जिनकी ज़ात मुकद्दसा पर जब तक ईमान कबूल न करे इंसान का ईमान मुकम्मल ना हो, बस जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। अब सवाल ये है कि अगर रसूल ये कहे कि ये जो मेरे घर वाले हैं, ये जो मेरे खानदान वाले हैं, इन्हें मुझसे अलग मत समझना, ये वो हैं कि इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं, बस अगर कोई इनसे मोहब्बत करेगा तो ऐसा जैसे मुझसे मोहब्बत करेगा, और अगर कोई इनसे बुग्ज रखे तो समझे इनसे बुग्ज नहीं रखा, मुझसे बुग्ज अदावत की है। बस जब वो एहलेबैत हमारा, क्योंकि अय्याम आज़ाम है, सैयद शहदा से मुतालिक गुफ्तगू है, एक जात से मुतालिक बात हो सकती है मुख्तसर वक्त में, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत, जिसे अल्लाह ने पाकीज़ा बनाकर भेजा हो उसे कोई दुनिया का इंसान पाक करेगा? कोई दुनिया का इंसान साफ करता? इस बच्चे को ले आओ, ये बच्चा वो है जो रिसालत का टुकड़ा है,
ये बच्चा वो है जो मुबाहिला के मैदान पे रिसालत की गवाही देगा, तौहीद को बचाएगा। बच्चा वो है, एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उसके बाद के वाकयात के अंदर मुसलसल नजर आता है, बच्चे को हाथ में लिया, अल्लाह के रसूल की आंख से आंसू जारी। अल्लाह के रसूल के लिए किस बात का, अभी तो बच्चे की विलादत हुई है। दुनिया में कोई वाकया ऐसा नहीं है कि जिस वाकये में होने से पहले उससे मुतल्लिक उसके जज्बात का इजहार किया जाए। करबला का वाकया एक ऐसा मुनफरिद वाकया नजर आता, सैयद शहदा की शहादत ऐसी मुनफरिद नजर आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो उसको बताया जा रहा है कि आखिरी नबी का बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा खत्म कर दिया गया। मुसलसल अंबिया को पैगाम दिया जाता कि आखिरी नबी का बेटा भूखा प्यासा मार दिया जाएगा, गिरिया फरमाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल पर लानत फरमाती है। आखिरी नबी के हाथ में उनका बेटा आया, उनका नवासा आया, अल्लाह के रसूल गिरिया फरमा रहे हैं। इस बात पर गिरिया करता, ये मेरा बेटा वो है जो जिब्रील ने खबर दी है कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन की शख्सियत उस वक्त का गिरिया, कि गिरिया कितना कीमती है, कि शख्सियत कितनी काबिल एहतराम है, ये रसूल का टुकड़ा कितना अजीज है रसूल को, कि जिस टुकड़े रिसालत पर बाज़ रिवायत का जुमला है, फरमाया गया अल्लाह के रसूल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम गोद में तशरीफ फरमाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में तशरीफ फरमाए, इमाम हसन के मुंह को आगे किया, लबों का बोसा लिया, तो एक बच्चे के लबों का बोसा लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। बाज़ रिवायतें ये कहती हैं कि उलमा ने जो पढ़ा इमाम हुसैन ने लब आगे कर दिए, शायद तेरे लबों का बोसा, इमाम रसूलुल्लाह के लबों का बोसा नहीं लिया, गुरुए मुबारक का बोसा लिया। शहजादी देख रही सवाल किया, तो बाबा मेरे बेटे का एक बेटे का लबों का बूसा, एक बेटे के गुलू मुबारक का बूसा, और सैयदुल शहदा से मुताल्लिक फ़क़त गुलू का बूसा नहीं, जिस्म के हिस्सों का बूसा दिया जाता है। तो क्यों अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों फरमा रहे हैं, ऐसा क्यों अमल अंजाम दे रहे हैं? तो ये मेरा बेटा हुसैन वो है कि जिसके जिस्म मुकद्दस पर इतने वार किए जाएंगे, पूरा जिसमें मुकद्दस वो है कि जिस पर इतना जुल्म किया जाएगा, मैं उस हिस्सों का बोसा देता हूँ। एहसास हो वो बच्चा के जो अभी छोटा है रसूल की गोद में तशरीफ फरमा है। बस एक रिवायत और बात मुकम्मल हो, हम क्यों बार बार जिक्र करते हैं, वाकया तो वही है ना। एक ही सीरत के जो वाकयात हैं, बाद कोई इंसान जहन में सवाल आता है बार बार जिक्र क्यों, बार बार सैयद शौहदा एक ही मसाइब का जिक्र है, हर साल दोबारा, हर साल बार बार, हर साल हर मजलिस में बार बार सैयद शहदा का जिक्र, मसाइब का जिक्र, हर मरतबा इंसान का आंख से आंसू निकलता है। क्यों वज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, ये जिक्र वो जिक्र है जैसे परवरदिगार का जिक्र जितनी मरतबा किया जाए फायदा देता, जितनी मरतबा खुदा का जिक्र किया जाए फायदा देगा, जितनी मरतबा अहले बैत का मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र किया जाएगा फायदा देगा। जितनी मरतबा जिक्र है, जब जब जिक्र होगा उस वक्त ये जिक्र आले मोहम्मद का घर में बरकत भी लाएगा, फरिश्तों का नज़ूल भी होगा, इंसान के लिए बाई से बरकत भी बनेगा। और ये तो वो जिक्र है कि जिस जिक्र को और जिन वास्तों को जिन शख्सियात को अल्लाह के रसूल खुदा ने ऐसा पसंद फरमाया। तो एक रिवायत का जुमला अल्लाह मजलिसी की किताब से और बात मुकम्मल हो, एक मतलब अल्लाह के रसूल पर कुछ जन्नत से नाजिल हुआ फल था जो नाजिल हुआ, जनाब सलमान फारसी मौजूद थे, हुक्म दिया गया जनाब सलमान जाओ जाकर मेरे बेटों को बुला कर लाओ, मैं बेटों के साथ बैठ करता हूँ। गए शहजादी कॉलेज के घर पर, बच्चों को नहीं पाया, और मकान पर देखा बच्चों को नहीं पाया, अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के रसूल पर बच्चों को नहीं पा रहा, मुझे नहीं मिल रहे, कहाँ है बच्चे।
अल्लाह के रसूल परेशान है। और ऐसे एक नहीं कई वाकयात हैं कि जहां जब अल्लाह के रसूल ने तलब किया, जब अल्लाह के रसूल ने चाहा कि मैं अपने बेटों को बुलाऊं, अपने बेटों को देखो, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तरफ मुतवज्जो हुआ, नहीं पाया, फौरन परेशानी हो, एक लम्हे के लिए बच्चा नजरों से ओझल हो जाए, हर माँ बाप परेशान हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल की परेशानी का आलम अलग, परेशान हुआ। इसलिए भी हजरत जिब्रील नाज़िल हुए, परवरदिगार का पैगाम जिब्रील की जुबान से क्या जारी होगा, वही तो खुदा ने पैगाम भेजा। कहते हैं परेशान कर दिया, क्या मामला, तो आपके जो बेटे हैं ये बड़ी तादाद के उस बाप के अंदर वहाँ चले गए सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। अल्लाह के रसूल फौरन खड़े हुए, फौरन इकदाम किए। रिवायत कहती है एक लहजे का इंतजार नहीं किया, बस उसी वक्त इत्तला मिली और उठे, उठकर उस बाप की तरफ रानी थी, बाप के करीब पहुंचे, देखा का एक नाग है, सांप है, जो अपने मुंह में एक पंखड़ी लेकर, जो रेहान की एक शाख है या डाली है, वो लेकर इन बच्चों पर हवा दे रहा है। तो देखा जैसे ही उस सांप ने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, फौरन उस मुँह से उस डाली को फेंक दिया, फिर मुँह से फेंका, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आपका सलाम। हर इंसान देख के डर जाएगा ना, छोटे बच्चों के पास अगर सांप पहुंचू तो क्या हाल है, फौरन सलाम फेंका, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कोई जानवर कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला भैया जिस तरह से नजर आ रहा हूँ, सांप ये नहीं, फरिश्ता था। और फरिश्ता भी जो रिवायत का जुमला अल्लाह मनीषी ने लिखा, मिनल करूबीहीन, उन करूबीहीन फरिश्तों में से एक था, का अल्लाह के रसूल मुझसे खता हो गई, मुझसे एक गुनाह हो गया, इबादत में कोताही हो गई, कमी हो गई, जरा सी कमी हुई, परवरदिगार आलम ने खिताब का निशाना बनाया और मुझे यहाँ पर इस साल की शक्ल में लाकर फेंक दिया गया। अल्लाह के रसूल मुंतज़िर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ऐसा आए कि जो अल्लाह के नज़दीक करामत और रुतबा रखता हो और वो करीब आकर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी परवरदिगार बख्शिश कर दे, तो मैं मुंतज़िर हूँ, तो कोई करीब आए वो मेरी बख्शिश करवा दे। बस जब बात ये हुई, अल्लाह के रसूल ने बात सुनी, मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल बच्चों की तरफ मुतवज्जे हुए, रिवायत कहती है कि घुटनों के बल बैठे, बच्चों को करीब किया, प्यार किया, बच्चों को प्यार करने के बाद अब मरहला ये है कि बच्चे बेदार हो गए, बच्चे बेदार हुए, अल्लाह के रसूल उनके साथ ये बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इंसान सवाल करता कम सीढ़ी के आलम में क्या शऊर, कोई आम बच्चा होगा जिसके शऊर का आलम और हो, ये अहले बैत के घराने के रिसालत के टुकड़े हैं, जो रिसालत का टुकड़ा जब दुनिया में आता है तो अपने शऊर और कमाल पर होगा। बस एक मतलब बच्चों से गुफ्तगू होगी, कहे मेरे बच्चों ये फरिश्ता है, और वो पूरी बात बतला देगा, ये करूँगी उन्हें सरकार चाहता है कि मैं दुआ करूँ, मैं तुम दोनों से चाहता हूँ कि तुम्हारे वसीले से दुआ करूँ। कौन इमाम हसन इमाम हुसैन, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोए थे तो एक दूसरे के बगल में हाथ डालकर सो गए थे, एक मरतबा बच्चों बच्चे उठे और उठने के बाद दोनों ने वुज़ू किया, दो रकअत नमाज पढ़ी, हाथ उठाए, परवरदिगार तुझे हमारे जद, वो जद जिनकी जलालत और बुजुर्गी तेरे नज़दीक है, वो जद के जो हमारा नाना है वो तेरा हबीब है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ परवरदिगार तुझे हमारे बाबा अली के मुर्तज़ा का वास्ता, ऐ परवरदिगार तुझे हमारी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, तू इसे उस हाल पे पलटा दे कि जैसा वो था। इतने में जिब्रील नाज़िल हो गए,
और ये अल्फाज मुकम्मल होने से भी पहले एक जुमला फरमाया, एक दुआ फरमाया, और उसके अंदर कुछ नहीं, कोई तफसील नहीं, अपने नाना का वास्ता, देने वाले कौन, खुद मासूमी है, अपने बाबा अली का वास्ता, अपनी मादर गिरामी का वास्ता, और जब वास्ता दिया कि ये जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे इससे पहले परवरदिगार ने जबरील को भेज दिया। मेरे ये अल्फाज की कीमत है, ये रुतबा और मकाम है, ये अजमत है कि अगर ये सिबते रसूल, ये हसन और हुसैन अगर जुबान से कोई जुमला कहने, किसी के बारे में कोई अमर फरमा दें तो परवरदिगार कैसे कबूल किया करता है, कैसे अता किया करता है। इसीलिए हम कहते हैं ये करीमों का दरबार है कि यहाँ जाकर इंसान अपने सर को झुका दे और जब इनके तवस्सुल से मांगेगा तो यकीनन परवरदिगार अता किया करता। तो इससे पहले के जुमले मुकम्मल होते परवरदिगार ने भेजा और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस फरिश्ते की मगफिरत कर दी गई, इसे वो मकाम दे दिया गया, वो फरिश्ता उनके साथ चला गया, फरिश्ता जाने लगा, सब लोग चले गए, दुआ कबूल हो गई, फरिश्ते को अपना मकाम मिल गया। हजरत जिब्रील फिर नाज़िल हुए, अल्लाह के रसूल अब मुस्कुरा रहे, कहे अल्लाह के रसूल वो तो फरिश्ता गया है, ये कहता हुआ गया, वहां जाकर फरिश्तों के दरमियान फख्र कर रहा है, मन मिस्री, मुझ जैसा कौन है। मन मिस्री का मतलब क्या, का मन मिस्री यानी कह रहा है कि मुझ जैसा कौन है जिसकी शफाअत हसनैन अलैहिस्सलाम ने की हो, जो इनके दर से शफा पाकर जा रहा हो उस जैसे की मिसाल कौन तैयार कर सकता। अल्लाह के रसूल जन्नत में उस तरह से फख्र करता है। परवरदिगार आलम ने भी इन हजरात की जो मंजिलत और मकाम थी, इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, वो मायूस शख्सियात हैं जिनके बारे में इंसान ये ना सोचे ना कहे, इनके बारे में कोई ऐसा फैसला ऐसी बात ना कहे, जिनके कोई आम इंसान जिस तरह से सोचता है ये वो नहीं है कि जो आम इंसान है, ये वो है जो रिसालत के टुकड़े हैं, ये वो हैं कि जिनको रिसालत के उन बेटों की मंजिलत हासिल है जो मुबाहिला के मैदान में जाकर गवाही देने वाले थे, ये वो शख्सियात हैं। बस इसीलिए सैयदुश्शोहदा के गम के बारे में जब रिवायात बयान होगी अक्सर उलमा ने सवाल किया, जवाब दिया गया, ये अज़ाए हुसैनी, ये अज़ादारी, ये सैयदुश्शोहदा का गम, सैयदुश्शोहदा की ज़ियारत, सैयदुश्शोहदा से मुताल्लिक कोई फरीजा अंजाम देना, हर चीज इतनी ज्यादा हर मोमिन के लिए बाकीमत है, बाहरज़िश है कि हर मोमिन ऐसा है कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाती है कोई आम इंसान या आम दिल नहीं हुआ करता। ये मोहब्बत कोई आम हैसियत रखने वाली मोहब्बत नहीं है, ये वो मोहब्बत है कि जब परवरदिगार किसी को कुछ देना चाहता है, खैर देना चाहता है, तो हुसैन की मोहब्बत देना है। मोहब्बत की कदर करनी चाहिए इसकी, जब ये आंसू आंखों से जारी हो कदर करनी चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करें कि ये आंसू हमेशा जारी रहे और फकत गमे अहले बैत पे जारी रहे, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के, और हर गमे दुनिया और आखिरत से हर इंसान को, हर मोमिन को महफूज रखे जिसकी आंख से सैयदुश्शोहदा और गमे अहले बैत में आंसू बहता है। कैसे मसाइल हैं, कैसा आलम है। बस एक रिवायत सुनिए, कूफा में जब बुरूद हुआ है, जब ये काफिला रवाना हुआ था करबला से, ये काफिला कैद ही बना कर लाया गया, मुस्लिम बीमार मजबूत जिसे कहते हैं अरबी में, अच्छी उर्दू के अंदर भी लफ्ज़ बीमार इस्तेमाल होता है, चूने का काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, दीवार पर प्लस्तर करने वाला, इस तरह का आदमी का रिवायत करता है। तो मैंने देखा, मैं दरबार में, मुझे काम के लिए बुलाया गया था, मैं काम कर रहा था, तो इतने में मैंने देखा, मैंने सुनी आवाज किसी के काफिले को लाया जा रहा है, तो मैंने मालूम किया कौन है, तो किसी खारिजी का सर लाया जा रहा है। हैरान हुआ कि ये कौन है, ये क्या मामला हुआ है, किसको लाया जा रहा है, किसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हुसैन इब्ने अली। तो मैं उस वक्त, उसने कहता है कि मैं उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सका, उस वक्त मैं वहां से दूर चला गया, इसलिए कि वो दरबार ऐसा था जहां मैं अपने
उन जज्बात का इजहार नहीं कर सकता था। एक मतलब वहां से हटा, एक अलग मकाम पर गया, जो हाथ मेरे जिस आलम में थे अपने आप को पीटना शुरू किया, मातम करना शुरू किया, हाय मेरा आका हुसैन, हाय मेरा रसूल का बेटा, कि जिसको कत्ल करने के बाद अब इस अंदाज से मुस्ताखी की जाएगी। इसी आलम में मैं अपने आप को पीट रहा था, मेरा आलम ये हो रहा था कि शायद मेरी आंखें जाया हो जाती, तो मैंने अपने आप को बचाया। और एक मरतबा मैंने सुना कि अब कुछ देर के बाद 40 ऊंट लाए जा रहे थे। तो 40 ऊंटों पर बीबियां सवार थी जिनको कैदी बनाकर लाया जा रहा था। ये आम कैदी नहीं थे, ये रसूल के घराने वाली बीबियां थी। उनको लाया जा रहा था, तब मैं देख रहा था, तब मैंने देखा एक अजीब मंजर था। उनमें एक शख्स को मैंने देखा, एक मर्द को मैंने देखा, जिस मर्द का आलम ये था कि उसे बांध कर लाया जा रहा था। और एक मर्तबा जिस ऊंट पर बिठाया गया था वो ऊंट मैंने देखा, वो करीब आ रहा था, कब मैंने देखा उस हालत ये थी, उनका आलम ये था, वह औदात शखब दबन का उनकी पिटलियों को जो बांधा गया था। शखबा का लफ्ज क्या मतलब का, शखबा का मतलब ये जिक्र किया गया का जैसे खून से लबरेज कोई चीज हुआ करती है, बस हाथ लगे और खून जारी हो जाए, का मेरे मौला का जख्म ऐसा था, मुसलसल खून जारी था, बस हाथ लगे कोई चीज मशहूर खून जारी हो जाए, का मौला की पिटलियों से ऐसा खून लाया जा रहा था। उनके साथ बच्चे थे, बच्चे प्यास और भूख से पिलक रहे थे। हाय या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने ये क्या आलम किया, आपकी औलाद पर ये क्या जुल्म ढाया गया। भूखे प्यासे बच्चों की कैफियत कैसे मालूम हुई, वो जो औरतें थी ना जो तमाशा देख रही थी, उन औरतों ने देखा कि ये बच्चे भूख से पिलक रहे हैं, प्यास से पिलक रहे हैं, उन्होंने अपने घरों से खजूरें और दूसरी चीजें फेंकना शुरू की ताकि इनके मुंह में कुछ खिसा चली जाए। कहा वहां मैंने देखा एक बीबी है जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, एक मर्तबा कहती है वो जो चीजें फेंकी जा रही थी उन्होंने वो चीजें लेकर वापस कर दी। एक मर्तबा कहने लगी हम आले रसूल हैं, हम पर सदकाह है। एक मर्तबा वो बीबी तड़प कर क्या कहे, वो जो रसूल की बेटी हो उसका आलम ये है कि उनके बच्चों के साथ ये सुलूक किया जा रहा है। अभी तो ये कूफा में बुरूद हो रहा है, अभी तो ये आलम है कूफा में लाया जा रहा है। न जाने जब लोगों का आलम ये हो कि देख कर उनके आंसू न रुके, न जाने रसूल की बेटी के कलेजे पर क्या गुजर रही थी जो एक तरफ देख रही थी। हाय मेरे बच्चे जो भूख और प्यास से मिलक रहे हो, हाय हमारे सरों की चादर जो छीनी जा चुकी है। एक मर्तबा का मैंने देखा वो बीबियां लाई जा रही थी, वहां एक मुअज्जमा बीबी थी। अच्छा उन बीबियों का आलम ये नहीं था कि महफिलों पर रखा लाया जा रहा हो, का टूटी हुए उन औदाजों पर, उन औदाजों पर लाया जा रहा था जो टूटे हुए टुकड़े लकड़ी के टुकड़ों पर ऐसे जैसे गठड़ियां रखी हो उन पर बिठा बिठा कर लाया जा रहा था। बीबियों को इस अंदाज से लाया गया का मैंने एक मौसमा बीबी को देखा तो उनकी नजर पड़ी एक ऐसे नैसे पर कि जिस नैसे पर सरे सैयदुल शुहदा मौजूद था। का मैंने देखा जैसे सरे मुकद्दस आया, एक मर्तबा निगाहें पड़ी चौदहवीं के चांद की माने से चमक रहा था, का जैसे अल्लाह के रसूल का चेहरा मुकद्दस हो। का मैंने देखा वो चेहरा वो था जिन
इनकी दाढ़ी पर जब हवा चलती थी कभी दाएं जानिब दाढ़ी के बाल उड़ते थे, कभी बाएं जानिब उड़ते थे, कब वो चेहरा चमकता हुआ मैं देख रहा था। एक मरतबा उस बीबी की निगाह पड़ी, एक बीबी ने निगाह की, एक मरतबा जब अपने भाई के सरे मुकद्दस को देखा बर्दाश्त न कर सकी, एक मरतबा वो जो टूटी हुई महबी की लकड़ी थी ना, एक शहजादी ने अपने सर को उस महबी की लकड़ी पर मारा, शहजादी के सरे मुकद्दस से खून बराबर होना शुरू हुआ। एक मरतबा निगाहें की, ऐ मेरे ऐ ज़ैनब के हिलाल, ऐ ज़ैनब की पहली के चाल, अभी तो ये चांद तमाम नहीं हो सका और उसे काट कर बुलंद कर दिया गया। ऐ मेरे भाई हुसैन, अब नौहा पढ़ना शुरू किया, शहजादी के दिल की आरजू क्या थी? उलमा ने एक जुमला कहा, शहजादी के दिल में आरजू यही थी, मैं देख कर बर्दाश्त नहीं कर पा रही, न जाने वो नन्ही सी बच्ची हुसैन की यतीमा कैसे बर्दाश्त करेगी बाबा का सरनो के नैजा पर। एक मरतबा तमन्ना की होगी, आए मेरे भाई हुसैन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं जानती इस बच्ची का आलम क्या हो, एक मरतबा अपनी बच्ची से बात कर ले, ऐसा न हो उसका दिल इस गम से फूट। जिंदगी से दूर फरमागी जब तक हयात मौजूद है, आबादी नस्लों की हयात मौजूद है, पर